हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। लास्ट टाइम हमने देखा था TCP/IP मॉडल्स, जिसमें मैंने कवर किया था आपके TCP/IP मॉडल्स, TCP/IP वर्सेस OSI रेफरेंस मॉडल, मतलब हमने कंपैरिजन देखा था इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ हमने कवर किया था TCP/IP मॉडल्स PGU, हमने उनके लेयर्स भी देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर, देन देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर, देन देखा था हमने इंटरनेट लेयर, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था लिंक एक्सेस लेयर। ठीक है, साथ ही साथ इन सभी प्रोटोकॉल्स, इन सभी लेयर्स के हमने वर्किंग किस तरीके से होता है, इनका फंक्शनलिटीज जो है वो किस तरीके से है, साथ ही साथ कौन से प्रोटोकॉल जो है वो हर एक लेयर पर यूज़ किए जाते थे, उन सभी के बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। राइट, तो आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन एंड नेटवर्किंग मीडिया, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ ट्रांसमिशन मोड, जिसमें हम देखेंगे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, देन देखेंगे हम CSMA CDI, CSMA CA, CSMA CDI और CA के बीच में हम देखेंगे कंपैरिजन, देन हम देखेंगे फुल डुप्लेक्स मोड, उसके बाद हम देखेंगे डुप्लेक्स मिसमैच, स्पीड एंड द डुप्लेक्स ऑटो निगोसिएशन, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, मोडेम मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लेटेंसी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, चेकसम, टाइम टू लिव एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट, आपको याद होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। नेटवर्किंग मीन्स दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर वर्क स्टेशन थ्रू ए मीडियम, सो दैट मीडियम कैन बी योर वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। सो दिस शेयरिंग ऑफ डेटा, दिस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और सर्विसेज बिटवीन द टू और मोर वर्क स्टेशन इज नोन एज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और यू कैन कॉल द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस ट्रांसमिशन कैन बी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द टू वर्क स्टेशन, मतलब PC A और PC B अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो दिस ट्रांसमिशन मोड कैन डिफाइन द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन राइट बिटवीन द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेज। सो कौन से टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसमिशंस के? सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, जिसमें फर्स्ट है आपका सिंप्लेक्स, सेकेंड है हाफ डुप्लेक्स, थर्ड है फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले देख लेते हैं सिंप्लेक्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो PC A और PC B जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ हैविंग अ सिंप्लेक्स मोड। सो इन सिंप्लेक्स मोड देर इज ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा एंड अदर कैन ओनली रिसीव द डेटा। इसका मतलब PC A जो है वो PC B को अगर कोई पैकेट भेजना चाहता है, सो इन दिस केस क्या होगा, PC A सिर्फ PC B को पैकेट भेज सकता है, एट द सेम टाइम PC B जो है वो पैकेट सिर्फ रिसीव करेगा, वो कोई भी दूसरा पैकेट जो है PC A के लिए जनरेट नहीं करेगा। मतलब सेंडर अगर पैकेट सेंड कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ पैकेट को रिसीव करेगा, वो कोई भी पैकेट जो है वो उस सेंडर को वापस नहीं भेजेगा। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल। सो द रिसीवर डिवाइस कैन ओनली रिसीव द डेटा बट कुड नॉट सेंड इट बैक टू द सेंडर। इन दिस मोड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यूअर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम यूजर लाउड स्पीकर, जस्ट लाइक द प्रिंटर्स, ये सारे आपके सिंप्लेक्स मोड में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। सो इन हाफ डुप्लेक्स मोड बोथ वर्क स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट नॉट ऑन द सेम टाइम। इसका मतलब PC A और PC B जो है वो आपस में पैकेट जो है वो एक्सचेंज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बट नॉट ऑन द सेम टाइम। ओके, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ओके, विद द लेस देन 50% ऑफ लिंक इफिशियंसी। सो कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द वर्क स्टेशन वन एट अ टाइम। ओके, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो दोनों साइड से रहेगा बट वंस एट अ टाइम, मतलब PC A और PC B जो है इट कैन जनरेट अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बट नॉट ऑन द सेम टाइम, जस्ट लाइक यूअर व्हाट्सएप मैसेजेस। मतलब जब तक मैं मैसेज भेज रहा हूँ और जो रीड कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो उसी टाइम पे मुझे रिप्लाई दे। ओके, सो यही उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप हाफ डुप्लेक्स का एक बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो ये वॉकी टॉकी भी है। आप वॉकी टॉकी में भी आप देख सकते हो, अगर आप बात कर रहे हो तो अगला वाला जो है वो सिर्फ सुन सकता है, उस टाइम वो एट द सेम टाइम वो बात नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल है। हाफ डुप्लेक्स में CSMA CD को यूज़ किया जाता है। अब ये CSMA या फिर CSMA CD या फिर CSMA CA क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, हब जो है वो एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। ठीक है, अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा वो भी बताता हूँ मैं। जैसे कंसिडर करके चलते हैं, वी हैव
hub over here. Let's say we have hub and यहाँ पे मेरे कुछ पोर्ट्स हैं. से हियर इज माय पीसी 1, इट्स माय पीसी 2, से हियर इज माय पीसी लेट्स से 4. ओके, सो पीसी 1 जो है इज ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स पीसी 4. लेट्स से पीसी 1 का यहाँ पे मैं मैक एड्रेस लेता हूँ, जैसे इसका मैक एड्रेस है ABC. पीसी 4 का मैक एड्रेस लेते हैं जैसे DEF. ओके, सो दिस इज द मैक एड्रेस. सो पीसी 1 जो है वो पीसी 4 के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहता है. सो इज गोइंग टू जनरेट अ ऐप रिक्वेस्ट. ओके, ही वॉन्ट्स टू रिसीव पीसी 4 मैक एड्रेस. तो ये पैक क्या जनरेट करेगा, ऐप पैकेट जनरेट करेगा, ऐप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सेंड इट टू द हब. हब जो है हब इट्स हब डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट पोर्ट्स. मतलब क्या, इसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पर पोर्ट जो है वो मेंटेन कर सके, या इट कुड नॉट मेंटेन देयर ओन मैक एड्रेस टेबल. सो इट जस्ट फॉरवर्ड्स द पैकेट ऑन एवरी पोर्ट लाइक द मल्टीपोर्ट रिपीटर. मतलब वो क्या करेगा, वो इस पैकेट को हर एक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा. अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जैसे पीसी 1 ने इस पैकेट को भेजा पीसी 2 को. सो पीसी 2 जब पैकेट पीसी 1 से जनरेट हो रहा था तो इसमें सोर्स था जैसे पीसी 1, राइट, और डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा आपका पीसी 4. तो पीसी 2 जो है वो चेक करेगा डेस्टिनेशन क्या है, दिस इज डेस्टिनेशन 4. मतलब ये पैकेट जो है वो दिस पैकेट इज ओनली मेंट फॉर पीसी 4 नॉट फॉर मी. तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा, फिर सेंड इट बैक टू द नेक्स्ट पोर्ट, सेंड इट बैक टू द नेक्स्ट पोर्ट. तो बिकॉज ऑफ द इट्स अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, बाय डिफॉल्ट हब क्या करेगा, इस पैकेट को हर एक इंटरफेस पे, हर एक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा अंटिल जब तक पीसी 4 जो है वो इस पैकेट का रिस्पॉन्ड नहीं करता. ओके, अब इसमें एक दो इसमें देखो क्या हो रहा है. अब जब पीसी 1 और पीसी 4 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पीसी 1 एंड पीसी 4 जो है वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इफ पीसी 2 ट्राइज टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स पीसी 4, कोलिजन जो है वो यहाँ पे ऑकर हो सकता है, कोलिजन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है. क्यों जनरेट होगा, क्योंकि पीसी 1 और पीसी 4 ऑलरेडी जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, इनका कम्युनिकेशन जो है वो अब तक टर्मिनेट नहीं हुआ. सो एट द सेम टाइम पीसी 2 भी अगर कोई पैकेट जनरेट करता है पीसी 4 के लिए, सो माइट बी पॉसिबल है यहाँ पे कोलिजन जनरेट होगा. क्यों, क्योंकि जो वो लिंक यूज कर रहा है, जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहा है, कंसिडर करके चलते दिस इज द कम्युनिकेशन मीडिया. सो दिस कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑलरेडी बिजी विद द पैकेट, ये ऑलरेडी बिजी है, दिस लिंक इज नॉट फ्री. ओके, तो यहाँ पे अगर अननेसेसरली पीसी 2 वॉन्ट्स टू सेंड सम पैकेट्स फॉर द पीसी 4, ये यहाँ पे कोलिजन क्रिएट कर सकता है, इट जनरेट अ कोलिजन. क्लियर हुआ, मतलब जब तक इन दोनों का कम्युनिकेशन टर्मिनेट नहीं होता तब तक बाकी की जो है वो होल्ड पर रहेंगे. ओके, टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन CSMA/CD इज यूज बाय हब. तो इस कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए CSMA/CD जो है वो यूज़ किया जाता है. अब सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि CSMA/CA क्या होता है. ठीक है, सो समझ लेते हैं पहले CSMA/CA क्या है. वॉट इज यूर CSMA, इट स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. वॉट इज मीन बाई कैरियर, इट्स अ मीडियम, इट्स अ मीडियम. जैसे कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज द मीडियम और यहाँ पे मेरे कुछ पीसीज कनेक्टेड है. दिस इज पीसी लेट्स से 1, दिस इज पीसी 2, हियर इज योर पीसी 3, हियर इज योर पीसी 4 एंड हियर इज योर पीसी लेट्स से 5. पांच पीसीज जो है दैट आर कनेक्टेड विद द जैसे इथरनेट केबल. ओके, अब CSMA/CA जो है वो क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इथरनेट केबल है, दिस इज अ मीडिया, दिस कैन दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कैरियर. आप इसको कैरियर भी कह सकते हो. क्यों, क्योंकि दिस मीडिया भी इज गोइंग टू यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल द वर्क स्टेशन, फिर वो पीसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ होती है, कंसिडर करके चलते हैं पीसी 1 जो है वो पीसी 5 को कोई पैकेट भेजना चाहता है. पीसी 1 वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद द पीसी 5. अब इस कंडीशन में क्या होगा, ईच एंड एवरी वर्क स्टेशन कैन सेंस देयर कैरियर. मतलब यहाँ पे क्या है, हर कोई
वर्क स्टेशन जो है वो सबसे पहले ये चेक करता है कि आपका जो मीडियम है, आपका जो कैरियर है, ये फ्री है या नहीं, मतलब ये आपका लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं, मतलब फ्री है या नहीं। अगर वो फ्री है सो इज़ रेडी टू सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स PC5। अदरवाइज अगर वो बिजी है, मतलब ऑलरेडी कोई डेटा जो है वो ऑलरेडी इस लिंक पे कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरे PC के साथ, तो एट दिस मोमेंट PC1 जो है वो कोई भी पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब कंसिडर करके चलते हैं, ये लिंक अगर आइडियल है तो PC1 क्या करेगा, PC1 इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा PC5 के लिए। अगर जस्ट इन केस कंसिडर करके चलते हैं, ये लिंक अगर बिजी है तो PC1 कोई भी पैकेट जो है फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर इफ़ ही इज ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट ऑन दिस बिजी लिंक, तो जो कोलिजन है वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है। कोलिजन बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अब कुछ सिनेरियोज देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं कि कोलिजन किस तरीके से ऑकर होगा या जनरेट होगा। तो एक तो क्लियर हुआ कि कोलिजन जो है वो किस तरीके से जनरेट हो सकता है, मतलब ऑलरेडी ये लिंक अगर किसी दूसरे वर्क स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रही है या दूसरे वर्क स्टेशन के डेटा के साथ ऑलरेडी जो है वो बिजी है, और इस कंडीशन में जैसे PC2 और PC4 जो है दे आर ऑलरेडी टॉकिंग विद ईच अदर, एंड एट द सेम मोमेंट PC1 जो है वो भी PC5 के साथ कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, वो पैकेट जो है वो भेजना चाहता है। सो इस टाइम क्या होगा, PC1 से जो पैकेट जनरेट होगा वो माइट बी कोलाइड हो सकता है आपके PC2 और PC4 के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है इसके साथ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना? सो इसको हटा देते हैं। सो सीन देखो किस तरीके से है, ऐसे PC1 को अगेन PC5 को कोई पैकेट भेजना है, तो PC1 सबसे पहले चेक क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा ये जो लिंक है ये आइडियल है या नहीं। अगर ये लिंक आइडियल है सो ही इज़ रेडी टू सेंड द पैकेट, अगर ये लिंक बिजी है तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो कंसिडर कर, और ये जो है ये लिंक को चेक करना इट मीन्स इट सेंस, ये हर एक PC करता है, मतलब चाहे वो PC1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर एक PC क्या करता है, अपने लिंक के स्टेट को सेंस करता है, मतलब आपके लिंक फ्री है या नहीं वो सबसे पहले क्या चेक करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, चेक करता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, मतलब डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले हर एक PC क्या करेगा, ये चेक करेगा आपके लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं, फ्री है या नहीं। ओके, सो कंसिडर करके चलते हैं, PC1 और PC5 के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, दे स्टिल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब क्या होगा, अब ये होगा यहाँ पे PC2, PC3 और PC4 जो है ये जो है वो हमेशा यहाँ पे सेंस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद PC5, इनके पास भी कोई डेटा है, वो उस डेटा को PC5 के लिए फॉरवर्ड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑलरेडी कंसिडर करके चलते हैं, ये लिंक जो है वो ऑलरेडी इज़ बिजी विद दी R1 एंड R5 कम्युनिकेशन, तो राउटर टू PC2, 3, 4 जो है वो क्या करते रहेंगे, इस लिंक के स्टेट को सेंस करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे ये लिंक जो है वो फ्री होती है या नहीं। कंसिडर करके चलो, एट द सेम टाइम ये लिंक जो है वो फ्री हो गई, मतलब अब PC1 और PC5 के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, या फिर कंसिडर करते कम्युनिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। अब इन तीनों ने एट द सेम टाइम, फिर वो PC2 हो, 3 हो, 4 हो, एट द सेम टाइम इन्होंने सेंस कर दिया कि दिस लिंक इज आइडियल, और ये तीनों फिर क्या करेंगे, एट द सेम टाइम सेंडिंग द पैकेट, ट्रांसमिटिंग द डेटा, और फिर से यहाँ पे कोलिजन क्रिएट हो सकता है। सो दो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी कोलिजन क्रिएट होने की, एक अगर लिंक ऑलरेडी आइडियल नहीं है, लिंक ऑलरेडी बिजी है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी आप फोर्स कर रहे हो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, दिस मोमेंट जो है वो कोलिजन हो सकता है, या जैसे ही लिंक आपकी फ्री हो जाती है एंड दे आर ऑलरेडी आर बंच ऑफ वर्क स्टेशन एंड दे आर रेडी टू ट्रांसमिटिंग द डेटा, एंड एट दिस मोमेंट दिस ऑल वर्क स्टेशन सेंस दिस लिंक इज आइडियल और नॉट, इफ दिस लिंक इज आइडियल और एट द सेम टाइम उन्होंने सभी PCs ने सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो आइडियल है, तो प्रॉबली यहाँ पे फिर से कोलिजन क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइम पे क्या करेंगे, डेटा जो है वो ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे कि ये जो सेंसिंग प्रोसेस है, ये जो सेंस करता है वो सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड है या पूरे लिंक को सेंस करता है? नो, तो ये सिर्फ क्या सेंस करता है, जहाँ पे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ इतने ही पोर्शन को वो क्या कर पाएगा, सेंस कर पाएगा। मतलब जैसे दिस इज़ अ PC
और ये जो पैकेट जो फॉरवर्ड करना चाहता है, दिस इज़ योर लिंक। सो सिर्फ इतने ही पोर्शन को वो देखेगा, यहाँ पे ट्रैफिक है या नहीं इस पोर्शन में। अगर यहाँ पे देखेगा कोई पैकेट नहीं जा रहा, देयर इज़ नो एनी डेटा ट्रांसमिटिंग, तो जैसे इसको लगेगा ये फ्री है तो वो क्या करेगा, अपने पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। जैसे ये सेंस करेगा दिस लिंक इज़ ऑलरेडी बिजी विथ सम काइंड ऑफ अनदर डेटा, तो ये पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा कि हर एक पीसी जो है, हर एक वर्क स्टेशन है, वो कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा। जैसे उसको लगेगा कि लिंक जो है वो आइडल हो चुकी है, तो फिर वो सेंसिंग जो है वो एक पीसी के साथ भी हो सकता है या फिर 100 पीसीज के साथ भी हो सकता है। मतलब एक पीसी सेम टाइम पे सेंस करता है, वैसे 100 पीसी भी सेम टाइम पे सेंस कर सकते हैं कि लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं। उनको लगेगा लिंक जो है वो आइडियल है, तो एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे, इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे, फिर से कोलिजन क्रिएट हो सकता है। दिस इज द केस नंबर वन। अब केस नंबर टू देखो कि किस तरीके से है। लेट्स से इनको हटा देते हैं। अगेन जैसे दिस इज माई पी सी टू, हेयर इज योर पी सी वन, पी सी थ्री, पी सी फोर एंड हेयर इज योर पी सी फाइव। ओके, अब इस कंडीशन में पी सी वन जो है इज ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स पी सी फाइव। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा, ये दोनों जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो लिंक जो है वो आइडियल नहीं है। तो पी सी टू जो है वो क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में वो कंटिन्यूसली चेक करते रह रहे थे, वो कंटिन्यूसली चेक करते थे अपने लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं, आपको जो मीडिया है वो आइडियल स्टेट में है या नहीं, वो कंटिन्यूसली चेक करते रहते थे। यहाँ पे अब ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, राउटर पी सी टू जो है वो चेक करेगा, जैसे जैसे इसको रियलाइज होगा कि ये लिंक जो है वो बिजी है, आई एम गोइंग टू सेंड माई पैकेट आफ्टर वन आवर, या जो मैं कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करूँगा वो एक घंटे के बाद स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मतलब पी सी टू को अननेसेसरली यहाँ पे एक घंटे तक वेट करना पड़ेगा। अब इसमें और एक कंडीशन ये है, कंसिडर करके चलते हैं, पी सी वन और पी सी फाइव के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था, पी सी टू जो है उसने चेक किया लिंक जो है वो आइडियल नहीं है, बिजी है, मीडिया जो है वो आपका बिजी है, तो वो क्या करेगा, ही इज़ वेटिंग फॉर वन आवर, वो एक घंटे तक वेट करेगा। ओके, और बिटवीन दिस वन आवर पी सी वन और पी सी फाइव का बीच में जो कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो गया आधे घंटे में, तो फिर भी पी सी टू जो है वो एक घंटे तक वेट करेगा। मतलब 12 बजे पी सी टू ने चेक किया था कि आपकी लिंक जो है वो आइडियल है या नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने इस होल्ड ऑन टाइमर को एक्सटेंड करेगा वन आवर तक, एक घंटे के लिए। तो वो एक बजे फिर से चेक करने आएगा, जैसे इसको लगेगा कि ये लिंक जो है या मीडिया जो है वो फ्री है, सो ही इज़ रेडी टू सेंड द पैकेट। बट इस एग्जांपल में क्या हुआ, वन और फाइव के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ था या कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी रनिंग में था, वो 12:30 बजे ही टर्मिनेट हो गया या ख़त्म हो गया। तो ऐसे नहीं है कि 12:30 बजे ख़त्म हुआ, पी सी टू को पता चल गया ओके द लिंक इज़ फ्री, और फिर मैं 12:30 बजे ही अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करूँगा, ऐसे नहीं होगा। ये एक बजे तक अपना कम्युनिकेशन जो है वो एक्सटेंड करेगा, मतलब यहाँ पे सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग पीसीज के लिए अलग अलग होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक घंटे तक वेट करूँगा तो मैं एक ही घंटे तक वेट करूँगा, ऐसे नहीं कि आधे घंटे में या 10 मिनट में या 5 मिनट में भी ये लिंक फ्री हो जाती है, फिर भी मैं एक्सटेंड करूँगा अपने होल्ड डाउन टाइमर को अप टू 1 आवर। ओके, तो जस्ट यहाँ पे सेम सिनेरियो जनरेट हो रहा है। हाँ, इसका एक एडवांटेज ये है कि कोलिजन जो है वो क्रिएट ही नहीं होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर कोई वेट करेगा, हर किसी पी सी का अपना रैंडम पीरियड होगा। ऐसे दिस इज योर अगेन पी सी वन, पी सी टू, पी सी थ्री, पी सी फोर एंड पी सी फाइव। ओके, सो वन और फाइव जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिंक जो है वो ऑलरेडी बिजी है, तो पी सी वन क्या करेगा, पी सी टू यहाँ पे जैसे कंसिडर करेगा आई एम गोइंग टू वेट फॉर 10 मिनट्स, पी सी थ्री इज़ गोइंग टू वेट फॉर 15 मिनट्स एंड पी सी फोर इज़ गोइंग टू वेट फॉर 20 मिनट्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
हर 10 मिनट के बाद पीसी 2 जो है वो चेक करेगा लिंक इज आइडियल नॉट। अगर उसको कंसिडर पता चल गया कि लिंक जो है वो आइडियल हो चुकी है तो वो क्या कर देगा, अपना पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। अगर पीसी 2 ऑलरेडी पैकेट जो है वो या ऑलरेडी ही इज कम्युनिकेट विद द पीसी 5, नो वन कैन सेंडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, नो वन कैन ट्रांसमिटिंग द डेटा। मतलब उस टाइम बाकी की पीसी जो है वो अपने अपने कम्युनिकेशन को, अपने अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद ये अपने अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेगा अगर लिंक फ्री हो जाती है तो। सेम प्रोसेस पीसी 3 भी करेगा, 15 मिनट के बाद वो चेक करेगा, अगर लिंक फ्री हो जाती है तो वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। पीसी 4 भी क्या करेगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, 20 मिनट के बाद वो चेक करेगा, जैसे उसको लगेगा कि आपकी जो लिंक है वो आइडियल हो चुकी है, सो आई एम रेडी टू ट्रांसमिटिंग माई डेटा। क्लियर हुआ, ये आपकी सेकेंड कंडीशन होगी। बट इसमें मैंने जैसे आपको बताया, दे स्टिल वॉन्ट्स टू वेट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, इनको उस टाइम तक वेट करना ही करना है, फिर वो चाहे 10 मिनट हो या फिर 1 आवर हो, तो जो आपका आइडियल टाइम रहेगा यहाँ पे, उस टाइम तक मुझे अपने कम्युनिकेशन को होल्ड पर रखना होगा, अपने ट्रांसमिशन को होल्ड पर रखना होगा, ओके। और एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या हो सकती है। सेम सिनेरियो है, ओके, पीसी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या होगा इस कंडीशन में, सेकेंड फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि हर एक पीसी जो है वो कंटिन्यूसली चेक करता रह रहा था, चेक कर रहा था आपकी लिंक के स्टेट को आइडियल है या नहीं। सेकेंड कंडीशन में वो क्या करने लगा, होल्ड करने लगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब थर्ड कंडीशन जो है वो हम देख रहे हैं, थर्ड कंडीशन में क्या है, देखो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वो चेक भी करेगा वो होल्ड भी करेगा। मतलब पीसी 1 और पीसी 5 के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, दे स्टिल ट्रांसमिटिंग द डेटा। सो इन दिस टाइम पीसी 2, 3, 4 जो है वो इस स्टेट को, इस ट्रांसमिशन को, इस मीडिया को वो चेक करते रहेंगे। जैसे इनको लगेगा कि ये आइडियल हो चुकी है, ये अपने अपने रैंडम टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, अपना कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, या फिर अपना कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो होल्ड पे रखेंगे अपने अपने रैंडम पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। मतलब यहाँ पे रैंडमली जो है ये कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश करेंगे, हर कोई पीसी अपना एक रैंडम टाइम पीरियड सेट करेगा, वो चेक करेगा लिंक फ्री है या नहीं, अगर फ्री मिलती है सो इज गोइंग टू स्टार्ट देयर कम्युनिकेशन। दिस इज द केस नंबर 3, ओके। सो दिस काइंड ऑफ मेथड इज प्रॉबली यूजिंग इन अ वाईफाई, वाईफाई में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे लिंक फ्री हो जाती है, आइडियल हो जाती है, सो अदर कैन स्टार्ट देयर कम्युनिकेशन ऑन द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक। सो दिस इज कॉल्ड द CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ओके। हर कोई पीसी क्या करेगा, यहाँ पे सेंस करेगा आपकी कैरियर फ्री है या नहीं। अब सेकेंड थिंग देखते हैं विच इज कॉल्ड CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब देखो क्या है, सेम सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4 एंड पीसी 5 कंसिडर करके चलते हैं। पीसी 1 ने सेंस कर दिया ये जो लिंक है वो आइडियल हो चुकी है, सो इज रेडी टू ट्रांसमिटिंग द डेटा। सो इसमें डेस्टिनेशन जो है वो आपका पीसी 5 है, सो ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेगा। अब कंसिडर करके चलते हैं ट्रांसमिशन जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है या फिर ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एट द सेम टाइम पीसी 5 ने भी सेंस कर दिया ये लिंक जो है वो फ्री है, तो क्या करेगा पीसी 5, पीसी 5 भी क्या करेगा, अपना कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से सेम लिंक से वो क्या करेगा, अपना पैकेट जो है वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो कोलाइड हो सकता है, मतलब पीसी 1 का डेटा पीसी 5 के साथ और पीसी 5 का डेटा पीसी 1 के साथ क्या हो सकता है, कोलाइड हो सकता है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका एक्चुअल कोलिजन जो है वो जनरेट होगा। अब देखो इस कंडीशन में पीसी 1 को पता ही नहीं है कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो कोलाइडेड डेटा है। कोलाइडेड मतलब क्या होता है, इट्स अ यूजलेस डेटा, क्योंकि ये दोनों डेटा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं,
अब इट्स अ यूजलेस, ना ही उसको कोई रीड कर पाएगा, ना ही उसको कोई डिटेक्ट मतलब देख पाएगा, इट्स अ यूजलेस डेटा। तो कोलाइड डेटा जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, कोलिजन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑकर हो चुका है, बट इनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि पी सी वन और पी सी फाइव दे स्टिल सेंडिंग देयर ओन पैकेट्स टू ईच अदर। इनको पता ही नहीं है कि मेरे पैकेट्स आगे जाके किसी सर्टन पॉइंट पे कोलाइड हो रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है। तो इनको हाउ दिस पीसीज कैन अंडरस्टैंड अबाउट माई डेटा इज कोलाइडेड और नॉट, जो या फिर कोलिजन क्रिएट हो या हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इस कंडीशन में सी एस एम ए सी डी को यूज़ किया जाता है, दैट स्टैंड फॉर करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब इस कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, दे आर गोइंग टू जनरेट अ कोलिजन सिग्नल, दे आर गोइंग टू जनरेट अ कोलिजन सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डेटा कोलाइड हो गया ये सिग्नल जनरेट करेंगे एंड ट्राइंग टू सेंड दिस कोलिजन सिग्नल्स फॉर द बोथ साइड्स। तो पी सी वन और पी सी फाइव इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका था या फिर स्टिल ऑन रनिंग, और एक पॉइंट पे इन दोनों के डेटा जो है वो कोलाइड हो चुके थे। तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, कोलिजन सिग्नल, जो पी सी वन और पी सी फाइव के लिए सेंड किया जाएगा। जैसे ही पी सी वन ने इस कोलिजन सिग्नल को डिटेक्ट कर दिया, रिसीव कर दिया, उसी टाइम पे वो ट्रांसमिशन जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। पी सी फाइव भी डू द सेम थिंग, बट इसमें भी एक कंडीशन है। देखो, पी सी वन ने पैकेट भेजा पी सी फाइव के लिए, पी सी फाइव ने भी पैकेट भेजा पी सी वन के लिए। एक पॉइंट पे आके ये पैकेट जो है वो क्या हो गए, डेटा जो है या सिग्नल जो है वो आपस में कोलाइड हो गए। तो यहाँ से जनरेट होगा आपका कोलिजन सिग्नल, ये दोनों एंड पे भेजा, फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर चाहे वो पी सी वन हो चाहे वो पी सी फाइव हो। अब अगर इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन अभी भी हो रहा है और उसी टाइम पे इस कोलिजन सिग्नल को मैं डिटेक्ट कर देता हूँ या रिसीव कर देता हूँ, सो इट्स वेल एंड गुड, इट मेक्स सेंस। अगर पी सी वन ने पैकेट भेज दिया और अपना कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो बंद कर दिया, और थोड़ी देर बाद जाके जैसे इसने अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट किया था 12 बजे और ख़त्म हो गया 12:05 के बाद, और इसने अपना जो कोलिजन सिग्नल है वो सेंस किया है, रिसीव किया 12:10 के बाद, सो इट हैज़ नो मेक सेंस। क्यों? क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन रनिंग पे है और उसी टाइम पे अगर मैं कोलिजन डिटेक्ट करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ही डेटा कोलाइड हो रहा है। आफ्टर टर्मिनेटिंग द कम्युनिकेशन, और या कम्युनिकेशन अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ और उसके 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद अगर मैं कोई कोलिजन का पैकेट या सिग्नल रिसीव कर रहा हूँ, सो इट मेक्स नो सेंस। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि दिस इज पैकेट और दिस इज सिग्नल इज मेड फ्रॉम मी और मेड बाय मी। क्लियर हुआ? और एक कंडीशन देखते हैं, सो कंसिडर करके चलते हैं। यहां पे पी सी वन, दिस इज माई पी सी टू। पी सी वन को कोई पैकेट भेजना है पी सी टू के लिए। अब पी सी वन जब पैकेट जनरेट कर रहा है टू ट्रांसमिटिंग दिस पैकेट दिस डेटा ऑन दिस मीडियम, इट टेक्स 1 आवर। मतलब पी सी वन को पी सी टू तक पैकेट भेजने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इट टेक्स 1 आवर। ओके, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो 1 आवर का, और यू कैन कॉल द प्रोपेगेशन डिले। मतलब पी सी वन को कोई भी पैकेट अगर पी सी टू तक भेजना है तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, इट टेक्स 1 आवर, ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 आवर। ठीक है, तो एक घंटा जो है यहाँ पे मेरा, मैं कहूँगा एक आइडियल है मेरे लिए। मतलब हर एक घंटे के बाद जो पैकेट मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ वो हर एक घंटे के बाद पी सी टू तक आराम से पहुँच जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अब पी सी टू ने सेंस किया 12 बजे कि ये लिंक जो है वो फ्री है, ये लिंक जो है वो क्या है, फ्री है। सो वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब सेम टाइम पे पी सी टू ने भी सेंस किया 12 बजे ही ये लिंक जो है वो आइडियल है, तो ये भी क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेगा। और कंसिडर करके चलते हैं, ये दोनों डेटा आपस में कोलाइड हुए आफ्टर 1.5 आवर। ओके,
आधे घंटे के बाद ये डेटा जो है वो आपस में कोलाइड हो गए, मतलब 12:30 बजे। अब यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा कोलिजन का, वो PC1 और PC2 तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेगा वो देखते हैं। अब देखो PC1 को इस पॉइंट तक जाने के लिए आधा घंटा लगा, PC2 को भी ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा, और जो सिग्नल जनरेट हुआ है, जो कोलिजन सिग्नल मेरे पास आ रहा है, वो यहाँ से जनरेट होगा और उसको PC1 या फिर PC2 तक आने के लिए अगेन कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा। मतलब 1 बजे मैं इन सिग्नल्स को क्या करूँगा, यहाँ पर रिसीव करूँगा 1 बजे, क्योंकि जाने के लिए आधा घंटा गया, आने के लिए आधा घंटा जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 बजे यहाँ पर इन सभी सिग्नल्स को, जो कोलाइडेड सिग्नल्स हैं, इनको रिसीव करूँगा। क्लियर हुआ? और एक केस देखते हैं, कंसिडर करके चलते, सेम सिनेरियो है, PC1 है यहाँ पे और यहाँ पे आपका PC2 है। अब जैसे ही आपका डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो 1 आवर का है और प्रोपगेशन डिले जो है वो 1 आवर का है, PC1 ने एक पैकेट भेजा ओके 2 के लिए, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। कंसिडर करके चलते पैकेट जो है वो जा रहा है, 12 बजे इसने सेंस किया था, लिंक जो है वो आइडियल है, इसलिए इसने 12 बजे ही अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब पैकेट जो है वो ऑलमोस्ट 12:59 यहाँ तक पैकेट आ गया है, और उसी टाइम पीरियड में PC2 ने भी सेंस कर दिया, मतलब इस टाइम पीरियड पे PC2 ने सेंस कर दिया कि ये लिंक जो है वो क्या है, आइडियल है। तो क्या होगा, जैसे उसको पता चलेगा ये लिंक आइडियल है, सो ये अपना कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा, ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेगा, और इस टाइम ऑफ पीरियड पे आके, इस पॉइंट पे आके इन दोनों का डेटा जो है वो कोलाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे PC2 जो है वो इमिजिएटली सेंस कर देगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का डिले है, तो आफ्टर 1 सेकेंड ये इमिजिएटली अपना ट्रांसमिशन जो है वो कैंसिल कर देगा या फिर रोक देगा। बट PC1 जो है इसको कोलिजन सिग्नल 1 घंटे के बाद डिटेक्ट होगा, क्योंकि पैकेट को ऑलरेडी वहां तक जाने के लिए 1 घंटा लगा जो ओरिजिनल डेटा था। अब जो कोलिजन सिग्नल वहां से आ रहा है इस पॉइंट से, उसको कितना टाइम लगेगा, अगेन 1 आवर, मतलब 1 बजे मैं अपने कोलिजन सिग्नल को डिटेक्ट करूंगा। ऑलराइट, सो यहां तक क्लियर हुआ? तो ऑलमोस्ट इट टेक्स टू आवर, 2 बजे, नॉट 1 o'clock, क्योंकि जाने के लिए 1 घंटा लगा और फिर आने के लिए 1 घंटा, मतलब 2 बजे, 1 बजे तो पैकेट यहाँ पे पहुँचा है, फिर से 1 घंटा लग जाएगा, तो 2 बजे इसको सेंस हो जाएगा कि कोलिजन जो है वहाँ पे क्या हुआ, जनरेट हुआ, ऑफर हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमने सेकेंड कंडीशन देखी थी। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा what is CSMA CD, जो बेसिकली दैट वॉज ओनली मेंट फॉर द लैन परस्पेक्टिव, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज ए इथरनेट लैन, तो यहाँ पे वो आप बेसिकली देखोगे CSMA CD को। देर इज़ वन मोर थिंग कॉल CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, एंड दिस इज़ ओनली मेंट फॉर वायरलेस लैन, वाईफाई में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, जो हमने एक केस में मैंने आपको बताया था। ओके, सो दैट दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज मेंट फॉर दी ओनली वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और यू कैन कॉल दी WLAN, वायरलेस लैन। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है, CSMA CD और CSMA CA के बीच में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो CSMA CD इज इफेक्टिव आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन जनरेट होने के बाद ही वो क्या करता है, सेंस जो सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। CSMA CA क्या करता है, इट्स इफेक्टिव बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने से पहले ये क्या करेगा, सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा। इट इज़ यूज्ड इन वायर नेटवर्क, इट इज़ यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क, मतलब CD जो है वो वायर्ड नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, और CA जो है वो वायरलेस नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इट ओनली रिड्यूस द रिकवरी टाइम, CSMA CD जो है वो क्या करेगा, सिर्फ अपने रिकवरी टाइम को रिड्यूस कर सकता है। CSMA CD जो है वो क्या करता है, इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन, मतलब पूरे कोलिजन को ही क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, मतलब यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि कोलिजन जनरेट ना हो।
CSMACD represent a data frame whenever a conflict occur, अगर conflict हो जाता है, collide हो जाता है, तभी क्या करेगा ये यहाँ फिर data frame जो है वो generate करेगा, resend करेगा. CSMACA में क्या हो रहा है, विल फर्स्ट ट्रांसमिट इन इंस्टेड टू द सेंड द डेटा फॉर द ट्रांसमिशन. मतलब सबसे पहले क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो CSMACA में जस्ट इन केस इट विल मेक श्योर द लिंक इज आइडियल है. सबसे पहले वो देखेगा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश जो है, जस्ट लाइक हमने देखा था कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन लेस में, ठीक है. CSMACD इज़ यूज्ड 802.3 स्टैंडर्ड और CA जो है वो यूज़ करता है, ये वायरलेस स्टैंडर्ड एक्चुअली 802.11 स्टैंडर्ड, ओके. एंड लास्ट इट्स मोर इफिशियंट दैन द सिंपल CSMA, मतलब ये थोड़ा इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है और इट इज़ वेरी सिमिलर टू द CSMA कैरियर सेस मल्टीपल एक्सेस, ओके. द नेक्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड द फुल डुप्लेक्स. अब देखो फुल डुप्लेक्स में क्या है, इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ वर्क स्टेशन फिर PCA एंड PCB बोथ वर्क स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम. मतलब दोनों भी वर्क स्टेशन जो है वो अपने डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करेंगे एट द सेम टाइम. सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन विद ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50% ऑफ लिंक इफिशियंसी. इन दिस मोड द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड एट द सेम टाइम. मतलब दोनों भी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, दोनों एंड से ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, एट द सेम टाइम दे कैन रिसीव एंड दे कैन सेंड, ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया है मोबाइल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगा स्विच, इट्स अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, ओके. नाउ डुप्लेक्स मिसमैच, अब ये देखो जनरली कहाँ पे और किस तरीके से ऑकर किया जाता है. अब देखो हमने ऑलमोस्ट 3 टाइप्स देखे थे डुप्लेक्स के, एक देखा हमने सिंप्लेक्स, एक देखा हमने हाफ डुप्लेक्स और दूसरा हमने देखा फुल डुप्लेक्स, राइट. हाफ डुप्लेक्स जो है वो जनरली आप देखोगे हब्स में, स्विच में आप जनरली देखोगे हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है. अब कंसिडर करके चलते हैं, टू स्विचेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, विद द पोर्ट नंबर ऑफ लेट्स से F0/0, दिस इज द पोर्ट नंबर, या G0/0, फास्ट इंटरनेट है फिर गीगा इंटरनेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट स्विच हैव टू मेक श्योर दिस इंटरफेस इज बिलोंग फ्रॉम दी लेट्स से फुल डुप्लेक्स, ये जो है वो फुल डुप्लेक्स है बाय डिफॉल्ट. दिस इज योर स्विच 1 एंड दिस इज योर स्विच 2 और कंसिडर करके चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली स्विच 2 का ये इंटरफेस जो है वो हाफ डुप्लेक्स में है. सो प्रॉबली इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ऑफकोर्स इज गोइंग टू डू इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि दोनों का भी डुप्लेक्स जो है वो मैच नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे आप एरर देखोगे, हमेशा डुप्लेक्स जो है वो मिसमैच हो जाएगा, डुप्लेक्स जो है ये मिसमैच हो जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो मैनुअली इन दोनों का डुप्लेक्स जो है वो मैच कर सकते हो ऑन बोथ एंड, या फिर आप इन दोनों को ऑटो डुप्लेक्स में रख सकते हो. ऑटो डुप्लेक्स में क्या, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई डिटेक्ट कर देंगे कि अपना अपना जो डुप्लेक्स है, चाहे वो फुल डुप्लेक्स हो चाहे वो हाफ डुप्लेक्स हो, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे, सेंडिंग द सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्विच 1 टू स्विच 2 एंड स्विच टू स्विच 1 और फिर जो है कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा. क्लियर हुआ? सो डुप्लेक्स मिसमैच का एरर जो है वो बेसिकली कब जनरेट होगा, जनरेटेड फ्रॉम द स्विच 1 टू स्विच 2 अगर दोनों साइड से डुप्लेक्स मैच नहीं होता तब, ओके. जस्ट लाइक द स्पीड, स्पीड का भी यही कंसेप्ट उन्होंने बताया है. मतलब यहाँ पे दोनों साइड से जैसे PC1 से स्पीड जो है वो जैसे कंसिडर करते स्विच 1 से, दिस इज माई स्विच 1, दिस इज माई स्विच 2, ओके. ये फुल डुप्लेक्स में है और इसका स्पीड जो है वैसे 100 है. स्विच 2 पे अगर आप देखोगे, दिस इज द स्विच 1, स्विच 2 पे अगर आप देखोगे कंसिडर करके चलते हैं, इसका डुप्लेक्स जो है वो हाफ डुप्लेक्स है और स्पीड जो है वो है 50. तो यहाँ पे दो एरर्स आप देखोगे, स्पीड भी मिसमैच हो रहा है और डुप्लेक्स भी मिसमैच हो रहा है. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो मैनुअली इनको रिसेट कर सकते हो, मैनुअली आप जाके सेट कर सकते हो स्विच 1 और स्विच 2 पे. ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है,
मैनुअली में जाके इन दोनों का स्पीड जो है वो मैच कर सकता हूँ, डुप्लेक्स जो है मैच कर सकता हूँ, या फिर देयर इज ऑप्शन कॉल ऑटो निगोशिएशन, जिसमें स्पीड और डुप्लेक्स दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली निगोशिएट हो जाएंगे। जैसे स्पीड और डुप्लेक्स दोनों भी मैच हो जाएगा, द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपके सिग्नल्स, जिसमें हम दो सिग्नल्स देख रहे हैं, एनालॉग एंड द डिजिटल। सबसे पहले समझ लेते हैं सिग्नल्स क्या है। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अदर। दिस सिग्नल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट आप देख सकते हो, फर्स्ट सिग्नल इज नोन एज एनालॉग एंड सेकेंड सिग्नल इज नोन एज अ डिजिटल। बोथ सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल। थ्रू वॉट? थ्रू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनालॉग सिग्नल कैन रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, और डिजिटल जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक द वेव फॉर्मेट में जनरेट होते हैं। सो एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल विथ हैव टाइम वेरिंग एबिलिटी। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स दैट इट कैन चेंज विद द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के साथ क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। This signal does not support encryption. What does mean by encryption? It means scrambling the data. So by default, analog signal जो है वो encryption को support नहीं करते। These signals are represent into continuous wave format. You can call the amplitude value. तो यहाँ पर वो continuous wave format में generate किए जाते हैं, something like this. Let's say this is the first. यहाँ से generate हो रहा है, right? Something like this. This end, चाहे वो अपर एंड हो चाहे वो लोअर एंड हो, दिस एंड कॉल एम्पलीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो द सिग्नल्स आर रिप्रेजेंट इन टू कंटिन्यूस वेव फॉर्मैट। एम्पलीट्यूड वैल्यू कैन रिप्रेजेंट हाइयर और द लोअर पॉइंट ऑफ द वेव। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी, दिस इज राइट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कैन रिप्रेजेंट अ फिजिकल लेंथ, a physical length from left to right, from left to right. Okay, so analog signals are used to wired or wireless medium for data transmission. Noise throughput, yeah, you can call noise throughout transmission, analog signal can be dropped. Agar noise detect ho raha hai ya bahut jyada loud frequencies generate ho rahi hai to us time aapke analog signal jo hai wo generally drop ho sakte hain. It have the low bandwidth with use more power and data transmission rate is low. तो यहाँ पर आपका ज़्यादा power of consumption use हो रहा है, bandwidth भी कम है और data transmission rate जो है वो क्या है, यहाँ पर low है. Now the digital signals. Digital signals are in non-contiguous format which does not have any time varying ability. It means that it cannot change with the time period. मतलब ये time period के साथ कभी change नहीं होंगे, continuous format में नहीं रहते. Digital signals are used to represent or carry the data into the binary format. मतलब हमेशा ये binary format में data को क्या करेंगे, transmit करेंगे. Digital signal does not support encryption. मतलब by default ये encryption को, it does support the encryption. मतलब यहाँ पर encryption हो सकता है, मतलब scrambling जो है वो आप कर सकते हो. It have their own uniform structure to provide constant and consistent signal. मतलब सिग्नल में एक कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंसी सिग्नल जनरेट करने का काम आपके डिजिटल सिग्नल्स करते हैं. सो डिजिटल सिग्नल्स आर यूज इन वायर्ड और वायरलेस मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन. नॉइज थ्रू आउट ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल कैन नॉट बी ड्रॉप्ड. मतलब नॉइज थ्रू आउट में आपके, या फिर नॉइज कोलिजन्स में आपके डिजिटल सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं होते. इट हैव हाई बैंडविड्थ, use with the less power and data transmission rate is fast. मतलब इसका data transmission rate fast है, bandwidth utilization इसके high है, साथ ही साथ ये कम power generate करता है या फिर less power में भी that is use a less power. Okay, so that is in a digital signal. Next है आपका modem. मैं modem कहूँगा, it's a combination of two networking device. One is modulator and second is demodulator. Okay, so what is mean by that? This modem have the ability to convert digital signal into analog and analog signal into digital. Okay, matlab modem jo hai, this is the combination of two, modulation and demodulation. To ye kya karta hai, digital signal ko analog mein convert kar sakta hai ya fir analog signal ko
डिजिटल सिग्नल में भी क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है. दिस डिवाइस यूज और यू कैन कॉल दिस डिवाइस वर्क्स ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी. तो मॉडेम जो है वो आपके किस पे काम करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा. तो सबसे पहले देखते हैं द मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट बिट्स यू कैन कॉल डिजिटल सिग्नल इन टू द कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म और एनालॉग सिग्नल. मतलब मॉड्यूलेटर जो है वो आपके डिजिटल सिग्नल्स को या फिर आप कहोगे बिट्स को कन्वर्ट करता है ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्मेट में, मतलब एनालॉग सिग्नल्स में. डी मॉड्यूलेटर जो है वो क्या करेगा, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस करेगा मॉड्यूलेटर से. डी मॉड्यूलेटर हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स वेव सिग्नल्स कॉल एनालॉग सिग्नल इन टू द बिट्स, मतलब डिजिटल सिग्नल्स में. मतलब एनालॉग टू डिजिटल का कन्वर्जन कौन करेगा आपका, डी मॉड्यूलेटर करेगा. ओके, नेक्स्ट है आपका बेस बैंड. समझ लेते हैं बेस बैंड क्या है. बेस बैंड इज अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग सिग्नल कोड. बेस बैंड इज अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग सिग्नल कोड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑन द मीडियम. ओके, विथ हैविंग बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन. इन शॉर्ट डिजिटल सिग्नल ट्रैवलिंग सो मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल. मतलब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होगा. तो इट व्हाट इज मीन बाय दैट, द बेस बैंड दैट हैज़ नियर जीरो और लो फ्रिक्वेंसी रेंज विच इज मेजर्ड इन हर्ट्स. तो आप देखोगे हमेशा बेस बैंड काइंड ऑफ स्पीड या ब्रॉडबैंड काइंड ऑफ स्पीड. तो इसी को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया है. क्या बताया मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ. बेसबैंड इज अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग द सिग्नल कोड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑन द मीडियम विथ हैविंग बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन इन अ शॉर्ट डिस्टेंस. मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये यूज किया जाएगा फॉर अ सिग्नल ट्रैवलिंग. इट डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू प्रोवाइड अ मल्टीप्लेक्सिंग. सो बेसबैंड दैट हैज़ अ नियर जीरो और यू कैन कॉल द लो फ्रिक्वेंसी रेंज विच इज मेजर्ड इन हर्ट्स. तो ये हर्ट्स में जनरली जो है वो मेजर किया जाता है. नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड. ब्रॉडबैंड जो है दैट इज यूज एनालॉग सिग्नल फॉर डेटा ट्रांसमिशन विथ हैविंग यूनिडायरेक्शनल फंक्शनैलिटीज. मतलब यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है इन अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रैवलिंग. ठीक है, मतलब बेसबैंड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा और ब्रॉडबैंड जो है वो कंसिडरली आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाएगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आप कर सकते हो. ओके, सो मल्टीप्लेक्सिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया था किस तरीके से है. सो क्लियर हुआ आपका बेसबैंड और ब्रॉडबैंड क्या है. ब्रॉडबैंड जो है दैट कैन यूजिंग हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन टेक्निक विथ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज़. नाउ लेट्स चेक मल्टीप्लेक्सिंग एंड डाई मल्टीप्लेक्सिंग क्या है. आपको ऑलरेडी पता होगा ये मल्टीप्लेक्सिंग और डाई मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा था इन OSI रेफरेंस मॉडल्स. सो दिस मल्टीप्लेक्सिंग एंड डाई मल्टीप्लेक्सिंग यूज बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस मैकेनिज्म. अब ये किस तरीके से वो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग. अब यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ सोर्स देयर इज अ डेस्टिनेशन. ये जो सोर्स है इज ट्राइंग टू सेंड अ मल्टीपल डेटा फ्रॉम यूजिंग अ मल्टीपल एप्लीकेशन. मतलब वो एट द सेम टाइम वो Yahoo से भी कोई पैकेट भेज रहा है, वो Gmail से भी कोई पैकेट भेजना चाहता है, वो Outlook से भी कोई पैकेट भेजना चाहता है. सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, इट्स कंबाइंड इनटू वन सिंगल पैकेट एंड सेंड इट बैक टू द डेस्टिनेशन. जैसे ही पैकेट डेस्टिनेशन के पास आएगा वो क्या कर देगा, इनको ट्रैप अप कर देगा. जहाँ पे सेगमेंटेशन हुआ था इन पैकेट्स का वो सेगमेंटेशन जो है वो हटा देगा और प्रॉपर फिर Yahoo के लिए पैकेट जनरेट होगा, फिर Gmail के लिए सेपरेट पैकेट जनरेट होगा और Outlook के लिए सेपरेट पैकेट यहाँ पे जनरेट होगा. जैसे कि आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखते हो. तो यहाँ भी इसने Yahoo का भी टैब ओपन किया था, Gmail का भी और Outlook का भी टैब ओपन किया था. तब ये इनको कैसे पता चलेगा कि ये जो पैकेट जनरेट हुआ है फ्रॉम Yahoo, डेस्टिनेशन को पैसे कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट Yahoo पेज पे ही जाना चाहिए, Gmail का पैकेट Gmail पेज पे ही जाना चाहिए या Outlook का पैकेट जो है वो Outlook पेज पे ही जाना चाहिए. तो यहाँ पे दो कंडीशंस है. एक तो ये चेक करेगा सोर्स IP डेस्टिनेशन IP एज वेल एज ही इज गोइंग टू चेक द सोर्स पोर्ट एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट. मीन्स व्हाट मीन्स ये है कि यहाँ पे वो चेक करेगा इनके सोर्स IP एड्रेसेस क्या है, इनके डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, साथ ही साथ ये देखेगा इनके पोर्ट नंबर्स क्या है. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सिंग डाई मल्टीप्लेक्सिंग जो है ही इज द काइंड ऑफ सेगमेंटेशन प्रोसेस. सेगमेंटेशन एंड डी सेगमेंटेशन दैट इज डन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे पैकेट्स के सेगमेंटेशन हो रहा है, डेटा की सेगमेंटेशन हो रहा है. तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज योर पीसी, ओके, दिस पीसी हैव द आईपी एड्रेस ऑफ लेट्स से 192.1.10.1, और यहाँ पे एक जो पीसी है इसका आईपी एड्रेस लेते हैं लेट्स से 192.1.20.2। सो ये जो पीसी है ये व्हाट्सएप और हाइक दोनों भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, और डेस्टिनेशन जो है वो है 20.2। तो व्हाट्सएप और हाइक को यूज़ करके ये क्या करना चाहता है, पैकेट जनरेट करना चाहता है, डेटा जनरेट करना चाहता है, और आपके 20.2 को, मतलब जैसे पीसी 2 को वो पैकेट फॉरवर्ड करना चाहता है। सो वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा सोर्स आईपी एड्रेस एज खुद का 192.1.10.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसका होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो आपको पीसी 2 का रहेगा जो कि है 192.1.20.2। सोर्स पोर्ट, अब देखो पोर्ट नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर है 30, जो मेरा पोर्ट नंबर रहेगा ऑन माय टैब ऑफ एप्लीकेशन। डेस्टिनेशन ये प्रॉपरली उसके व्हाट्सएप पेज पे ही जाना चाहिए, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या है 50। सो आई एम गोइंग टू जनरेट वन काइंड ऑफ पैकेट जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस मैंने ऐड किया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड किया, सोर्स पोर्ट ऐड किया, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऐड किया। सेम हाइक मैसेजेस के लिए भी रहेगा। सो यहाँ पे भी मैं अपना खुद का आईपी एड्रेस डालूंगा विच इज़ 10.1। डेस्टिनेशन क्या होगा 192.1. अब सिर्फ समझ लो ये 20.2 क्या है, 10.1 क्या है। सोर्स पोर्ट क्या है 40 मेरा खुद का, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 60। आई एम गोइंग टू जनरेट दिस पैकेट। तो यूजिंग अ मल्टीपल काइंड ऑफ एप्लीकेशन द डेस्टिनेशन इज द सेम, क्योंकि यहाँ पे आप डेस्टिनेशन जो देख सकते हो दोनों भी एप्लीकेशंस में डेस्टिनेशन आपका सेम है, तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, इन दोनों पैकेट्स को कंबाइन करेगा, मर्ज इन टू वन, सेंड इट थ्रू द मीडियम, और जैसे ही ये जो पैकेट है दैट इज रिसीव्ड बाय दिस पीसी 2 ये क्या कर देगा, इसको डिसेगमेंट कर देगा, ओके मतलब यहाँ पे असेंबल किया था तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिसअसेंबल कर देगा, सेपरेट कर देगा। वो चेक करेगा द पैकेट नंबर 1 इज मेंट फॉर द व्हाट्सएप, पैकेट नंबर 2 इज मेंट फॉर द हाइक, और अपने अपने मैं कहूँगा अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस पे ये फॉरवर्ड कर देगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, एंड इनको अलग अलग सेगमेंट से बाहर निकलना और अप्रोप्रिएट आपके एप्लीकेशंस पे फॉरवर्ड करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक, सो इसको हटा देते हैं, ओके। सो मल्टीप्लेक्सिंग का एक आपको क्लियर प्रोसीजर आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स दैट गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम सेंडर एंड add their port number and proper header information and combine into one single packet is known as multiplexing, okay? मतलब सभी applications के application से आपके data को gather करना, receive करना, इनको segments करना on their proper port number and the header information and combined into one single packet, that process is known as multiplexing. जी मल्टीप्लेक्सिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीप्लेक्सिंग जो है इट कैन यूज़ एनालॉग इन द डिजिटल फॉर्मेट, तो एनालॉग सिग्नल्स में ये FDM को यूज़ करेगा एज वेल एज WDM, और डिजिटल वेव्स में वो क्या यूज़ कर रहा है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें अगेन वी हैव अ टू ऑप्शन, सिंक्रोनाइजेशन TDM एंड असिंक्रोनाइजेशन TDM, ओके। सो नेक्स्ट है आपका डी मल्टीप्लेक्सिंग, आपको क्लियर हो चुका होगा डी मल्टीप्लेक्सिंग एग्जैक्टली आपके रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लेक्सिंग से। So demultiplexing is a reverse process of multiplexing. When packet is received by the destination, it looks for the destination port number and send it to appropriate destination. Okay? मतलब appropriate destination पे वो क्या किए जाएंगे, forward किए जाएंगे. And this process is known as demultiplexing. Bandwidth. What is the bandwidth? So bandwidth means transmitting potential of the data in a specific period of time. In a specific period of time, or you can call a range of frequency that is contained in a composite signal. This is the definition of the bandwidth. This is the definition of the bandwidth. Okay, so bandwidth is defined as the network bandwidth, or you can call the data bandwidth, or the digital bandwidth. Okay,
सो बैंडविड्थ का कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है? पोटेंशियल है आपके डेटा को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जाने के लिए, ओके, एक स्पेसिफिक मैं कहूँगा आपके फ्रॉम इट जनरेटिंग फ्रॉम PC 1 टू PC 2 तक जाने के लिए, कोई अगर पैकेट में जनरेट कर रहा हूँ, सो मैं कहूँगा ट्रांसमिटिंग जो डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, ओके. सो व्हाट इज मीन बाय दैट? बैंडविड्थ मीन्स ट्रांसमिटिंग पोटेंशियल ऑफ द डेटा इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. पोटेंशियल मीन पॉसिबल ऑफ द डेटा इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द बैंडविड्थ, ओके. द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैंडविड्थ जो है वो मेजर्ड की जाती है, दैट इज इन बिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड्स में. थ्रूपुट, और यू कैन कॉल डेटा रेट, और यू कैन कॉल द पेलोड, तीनों का भी डेफिनेशन एक ही है. थ्रूपुट मीन्स ट्रांसमिटिंग अमाउंट ऑफ डेटा. बैंडविड्थ में कहा, मैंने क्या कहा था? पोटेंशियल ऑफ डेटा. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थ्रूपुट मीन्स ट्रांसमिटिंग अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, ओके. बैंडविड्थ में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम था, यहाँ पे क्या है? इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम ओवर अ नेटवर्क, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रूपुट, ओके. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल द इफेक्टिव डेटा रेट, और यू कैन कॉल द पेलोड, ओके. दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन अ बिट्स ट्रांसफर पर सेकेंड, मतलब BPS, MBPS और GBPS में ये भी कैलकुलेट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल लेटेंसी. सबसे पहले वो देख लेते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे भी देखो डिफरेंस इन्होंने क्लियर किया है. सो बैंडविड्थ वर्सेस थ्रूपुट, जैसे मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम नंबर, हाईलाइट कर देते हैं. बैंडविड्थ इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन ट्रैवल थ्रू अ लिंक और नेटवर्क, और थ्रूपुट जो है वो क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा कैन ट्रैवल थ्रू अ नेटवर्क. बैंडविड्थ ऑलवेज दैट इज मेजर्ड इन अ फिजिकल लेयर प्रॉपर्टीज. थ्रूपुट दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन ऑल, और यू कैन कॉल एनी at any OSI reference models. Bandwidth does not depend on the latency and throughput, it does depend on the latency. अब देखते हैं what is mean by the latency. सबसे पहले वो देख लेते हैं. What is latency? Latency means how much time does it take for transmitting the data from one single source to one single destination. मतलब एक पैकेट को एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी, ओके. दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी एंड इट्स मेजर्ड इन मिलीसेकंड. ये किस तरीके से मेजर किया जाता है आपके? मिलीसेकंड्स में. सो द नेटवर्क लेटेंसी इज द अमाउंट ऑफ टाइम द पैकेट टेक्स टू रीच इट्स राउंड ट्रिप डेस्टिनेशन, मीन्स डेटा ट्रेवल टू द डेस्टिनेशन एंड कमिंग बैक अगेन. दैट प्रोसेस इज नोन एज RTT. मतलब पैकेट जो है वो सोर्स से जनरेट हुआ, डेस्टिनेशन के पास गया, और डेस्टिनेशन से कोई एक लेसे एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव हो रहा है. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज राउंड ट्रिप टाइम, RTT, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द जिटर. जिटर क्या है? द डिफरेंस इन लैटेंसी बिटवीन द फ्लो ऑफ पैकेट फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अदर इज नोन एज जिटर, ठीक है ना. सो पैकेट के फ्लो में जो लैटेंस है उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट द डिफरेंस इज नोन एज द जिटर. तो मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, देखो क्या है. द डिफरेंस इन लैटेंसी बिटवीन द पैकेट फ्लो फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अदर इज नोन एज जिटर. सो जिटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन मिलीसेकंड, जस्ट लाइक लैटेंसी. एंड द मोस्ट इम्पैक्ट विच इज इन ऑडियो सिग्नल्स और ऑडियो स्ट्रीमिंग, और यू कैन कॉल द वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ठीक है ना. जिटर जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नलिंग के स्ट्रीमिंग्स में. जिटर कब जनरेट होता है? आपने देखा लैगिंग बहुत होता है, वॉइस कभी कभी पहले आती है और फिर पिक्चर बाद में दिखता है, फिर पिक्चर पहले आती है फिर वॉइस बाद में आता है. दैट इज सम काइंड ऑफ जिटर, ओके. नेक्स्ट इज कॉल द चेकसम. सो लेटेंसी, और एक चीज़ बताता हूँ लेटेंसी और जिटर के बीच में डिफरेंस क्या है. जिटर इज यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, दैट इज द अमाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन लेटेंसी अक्रॉस द नेटवर्क, ओके. एंड व्हाइल द लेटेंसी मेजर इन टाइम इट टेक्स फॉर द डेटा रीच टू द डेस्टिनेशन, अल्टीमेटली RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ओके. मतलब लेटेंसी का इन शॉर्ट मीनिंग क्या है? फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के लिए जो पैकेट जनरेट हुआ है तो उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए और वापस आने के लिए जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेटेंसी, ओके. एंड जिटर का यूज जो है वो क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन लेटेंसी अक्रॉस द नेटवर्क,
मतलब व्हाइल डेटा इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और ट्रैवलिंग करते टाइम जैसे डेटा गेटिंग ट्रांसफर टेम्पर्ड विद इन ट्रांजिट, दैट कंसेप्ट इज नोन एज जिटर, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, उसी तरीके से लेटेंसी और थ्रूपुट के बीच में भी डिफरेंस देखते हैं क्या है। लेटेंसी इज रेफर्स टू डिले, ओके, लेटेंसी इज रेफर्स टू डिले टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉरी ओके सो लेटेंसी इज लेटेंसी इज रेफर्स टू डिले टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ टू प्रोड्यूस द आउटकम फ्रॉम द इनपुट। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट मीन्स हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम। लेटेंसी इज मेजर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम, जैसे मिली सेकेंड्स में इसको काउंट किया जाता है, और थ्रूपुट जो है वो कैसे काउंट किया जाता है? बिट पर सेक। ओके, थ्रूपुट दैट इज मेजर्ड यूनिट्स ऑफ वॉट एवर इज बींग प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितने बिट जनरेट हो रहे हैं उसको काउंट करने के लिए हम BPS को यूज़ करेंगे, या फिर GBPS को, या फिर MBPS को इन थ्रूपुट। ओके, लेटेंसी वर्सेस बैंडविड्थ देख लेते हैं। लेटेंसी जैसे उन्होंने कहा था, इट्स अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डिस्टेंस दैट इज मस्ट बी ट्रैवल थ्रू, मतलब ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल डिस्टेंस कितना है, सो दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी। एंड वॉट इज द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने यही बताया था आपको, दैट द पॉसिबल अमाउंट ऑफ डेटा that can be traveled through a medium and the rate of data transport for fixed period of time. Okay, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स रहेगा, एक घंटे में ही इतना पैकेट मेरे पास जाना चाहिए, इसीलिए उनको बिट पर सेकेंड या फिर बिट पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड में एक बिट जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका एनी कास्ट। अब देखो ये हम बेसिकली प्रैक्टिकल सेशंस में, हम IPv6 के लैब में मैं आपको और भी डिटेल में बता पाऊंगा कि एनीकास्ट क्या है। ऐसे कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज योर PC1, दिस इज योर PC2, 3, 4 एंड 5। ओके, PC1 के साथ PC2, 4, 5 आर डायरेक्टली कनेक्टेड, तो यहाँ पे हर कोई हर किसी के साथ कनेक्टेड है। सो PC1 जो है वो पैकेट भेजना चाहता है PC4 के लिए, तो सबसे पहले PC1 क्या करेगा, पैकेट जनरेट करेगा जिसमें ऐड करेगा सोर्स आईपी एड्रेस कर रखेगा खुद का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखेगा 4 का। ओके, अब क्या है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास राउटर PC2 भी कनेक्टेड है, मेरे पास PC5 भी कनेक्टेड है, और PC2 के साथ 3 भी कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, 4 के साथ 3 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 1 भी और 5, हर किसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो PC2 जो है जनरली बोल सकता है कि आई हैव दी इन्फॉर्मेशन अबाउट PC4, PC5 भी बोल सकता है आई हैव दी इन्फॉर्मेशन अबाउट द PC4, और PC4 तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल ही रहा है। इनको मैं आपको एक इन शॉर्ट बता देता हूँ इसको किस तरीके से रिलेट करना है, सो इसको मैं हटा देता हूँ और एक राउटर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे router 1, router 2, जैसे देर इज अ router 3, there is router let's say 5 and there is router let's say 4. So जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था, every router have the ability to maintain their own routing table, और हर एक routing table में अपने directly connected networks की information होती है। जैसे PC1 के पीछे एक router 1 के पीछे एक PC है जैसे PC1, और router 4 के पीछे भी एक PC है जैसे PC2। अब PC1 को कोई पैकेट भेजना है PC4 के लिए, तो सोर्स एड्रेस होगा PC1 का, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा PC2 का, दिस इज़ द पैकेट, और ये पैकेट PC1 किसको भेजेगा, router 1 को। अब यहाँ पे देखो router 4 क्या करेगा, PC2 की इन्फॉर्मेशन, मतलब PC2 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो router 4 R3 को भी भेजेगा, R2 को भी भेजेगा, R5 को भी भेजेगा। R5 भी क्या करेगा, इसी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा router 1 को, router 2 को, सॉरी router 5 जो है यही इन्फॉर्मेशन router 5 router 1 को फॉरवर्ड करेगा, router 2 इसी इन्फॉर्मेशन को router 1 को फॉरवर्ड करेगा, router 3 सेम इन्फॉर्मेशन router 2 को भी फॉरवर्ड करेगा, साथ ही साथ 1 और 4 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो router 4 जो है वो सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन router 1 को भी फॉरवर्ड करेगा। अब क्या होगा, router 1 के पास 3 पैकेट्स आ रहे हैं, router 2 से, router 4 से और router 5 से,
तो वो सबसे पहले चेक करेगा राउटर वन को पीसी टू तक जाने के लिए दो तीन रास्ते हैं, एक है राउटर टू से, एक है राउटर फाइव से, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक बेस्ट पाथ, एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड। सो इसको कंसिडर करेगा एज अ बेस्ट राउट। और ये बेस्ट राउट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जब सेम काइंड ऑफ डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास तीन लोकेशन से आ रही है, मतलब पी सी टू की इन्फॉर्मेशन मुझे टू से भी आ रही है, फाइव से भी आ रही है, और फोर से भी आ रही है। सो राउटर वन ने फिर डिसाइड किया इनमें से बेस्ट राउट क्या है। और ये बेस्ट राउट सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपके मैट्रिक पे, आपके हॉप काउंट्स पे, आपके बैंडविड्थ एंड डिले पे। ये हम राउटिंग प्रोसेस में देखेंगे किस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल वन एंड फोर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए इसने क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई किया टू सेंड दिस पैकेट फ्रॉम द आर फोर। दिस कंसेप्ट इज नोन एज एनीकास्ट। दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज नोन एज एनीकास्ट। क्लियर हुआ? यूनिकास्ट, व्हाट इज मीन बाय यूनिकास्ट? यूनिकास्ट फॉर्मेट में आप देख सकते हो देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक सोर्स एंड वन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर जो है वो स्पेसिफाइड हो चुके हैं। ओके, जैसे मैं अपने ऑफिस से अपने यूट्यूब सर्वर को एक्सेस करना चाहूँगा, सो मेरा जो लैपटॉप है यहाँ पे वन स्पेसिफिक सोर्स रहेगा और यूट्यूब सर्वर है वन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन रहेगा। दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज यूनिकास्ट। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन कॉल वन टू वन कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंडर और एक रिसीवर होगा। व्हाट इज मीन बाय मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंडर होगा, या फिर और यू कैन कॉल देयर इज वन स्पेसिफिक सोर्स और देयर इज मल्टीपल स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, और यू कैन कॉल द मल्टीपल स्पेसिफाइड सोर्सेज एंड देयर इज वन स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। ओके, अब ये किस तरीके से रिलेट करता है देखो। सो फर्स्ट हमने देखा एनीकास्ट, देन हमने देखा अभी यूनिकास्ट, अब हम देख रहे हैं मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट में हमने क्या देखा, वन सिंगल सोर्स एंड वन सिंगल डेस्टिनेशन, दैट्स इट, वन टू वन। ओके, अब यहाँ पे वन स्पेसिफाइड सोर्स एंड मेनी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशंस। तो कंसिडर करके चल, दिस इज योर राउटर वन, दिस इज योर पी सी वन, पी सी टू एंड द पी सी थ्री, और यहाँ पे है आपका लेट्स से यूट्यूब, और लेट्स से वेब सर्वर है कंपनी का। ओके, सो ऑल दे आर ऑल ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ माई कंपनी वेब सर्वर, सो दे आर ऑल गोइंग टू जनरेटिंग अ पैकेट विद द सेम डेस्टिनेशन, क्योंकि इन तीनों का डेस्टिनेशन क्या है, सेम है। राउटर वन रिसीव्स दिस पैकेट, ये हम मल्टीकास्टिंग में पढ़ने ही वाले आगे जाके। ओके, कंसिडर एज अ वन, सेंड इट टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर से एक सिंगल रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और हर एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए क्या कर देगा, फॉलो कर देगा। सो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो स्पेसिफाइड कर दिए गए ऑलरेडी। अब इसी कंडीशन में देखो क्या हुआ, लेट्स से दिस इज माय यूट्यूब, दिस इज माय वेब सर्वर, लेट्स से दिस इज कनेक्टेड विथ माय कंपनी राउटर एंड आई हैव मेनी यूजर्स ओवर हियर, जैसे पी सी वन, पी सी टू, पी सी थ्री और पी सी फोर। पी सी वन, टू, थ्री ने इन्होंने एक पैकेट जनरेट किया है, दे आर ट्राइंग टू एक्सेसिंग माई वेब सर्वर। पी सी फोर ने कोई भी पैकेट जनरेट नहीं किया था। अब क्या होगा, पी सी वन पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, पी सी टू भी इस डेटा को फॉरवर्ड करेगा, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा पी सी थ्री भी। पी सी राउटर क्या करेगा, फॉरवर्ड टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर के से एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी और फिर जाके ये क्या करेगा, इन सभी को फॉरवर्ड कर देगा। दैट वॉज द मल्टीकास्ट। अब थर्ड थिंग है जो है ब्रॉडकास्ट। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, मैं पी सी वन को भी पैकेट भेजूंगा क्योंकि इसने भी रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं पी सी टू को भी पैकेट भेजूंगा, पी सी थ्री को भी, और अननेसेसरली पी सी फोर को भी पैकेट भेजूंगा। अब ये जो है इन्होंने सब ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, ये सारे जो है वो रिक्वेस्टेड थे, इसने मुझे कोई भी रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस पैकेट को फॉरवर्ड करता हूँ राउटर फोर के लिए, पी सी फोर के लिए। तो ये पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ पे जाके, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ट्राइंग टू कंसिडरिंग आई एम ट्राइंग टू डूइंग अ ब्रॉडकास्टिंग ओवर हियर। मतलब पैकेट्स के क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब जो रिसीवर्स हैं मैं तो उनको भी भेज रहा हूँ, जो रिसीवर नहीं है मैं उनको भी पैकेट भेज रहा हूँ। दैट द कंसेप्ट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। तो मल्टीकास्टिंग में जेका
में वन सेंडर और देर इज मल्टीपल स्पेसिफाइड डेस्टिनेशंस, तो यहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स और स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस रहेंगे। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, इन अ ब्रॉडकास्टिंग देर इज ओनली वन स्पेसिफाइड सोर्स एंड मेनी अनस्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, मतलब राउटर क्या कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली उन सभी को पैकेट, इस पैकेट को उन सभी को फॉरवर्ड कर रहा है जो रिसीवर है जो रिसीवर नहीं है। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वन टू ऑल मल्टीकास्ट, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वन टू मेनी बट नॉट ऑल, एंड यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर हुआ ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं चेकसम्स क्या होते हैं। देखो चेकसम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड में कहूँगा आपके लिए है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने OSI रेफरेंस मॉडल्स में देखा था, विच इज़ कॉल यू कैन कॉल एरर डिटेक्शन एंड द करेक्शन। और ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की एबिलिटी जो है वो हमने डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पे भी देखी थी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन क्या है, और उससे पहले भी समझ लेते हैं ये एरर्स क्या होते हैं। समझ गए, कंसिडर करके चलते हैं एरर्स क्या होते हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो कंसिडर करके चलो, दिस इज योर PC1, इज ट्राई टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स PC2। ओके, अब PC1 ने एक पैकेट जनरेट किया है समथिंग लाइक दिस। आपको याद होगा आपके जो डेटा है दैट इज ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क, ट्रैवल थ्रू द मीडिया बाय इन अ बिट्स फॉर्मेट। ओके, हमने इससे पहले कन्वर्जन टेबल में मैंने बताया था 1 byte इज इक्वल टू 8 bit। दिस 8 bits हैव अ वैल्यू ऑफ 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका जो डेटा है वो हमेशा 1 and 0 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, 1 means ऑन बिट, 0 means ऑफ बिट। क्लियर, आप कंसिडर करके चलते हैं, 1 ने एक पैकेट जनरेट किया है, ये पैकेट जो है वो कुछ इस तरीके से, डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से आपके बाइनरी फॉर्मेट में, तो लेट्स से 1 0 डेटा जो है, लेट्स से मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ 1 0 1 0, दिस इज़ द डेटा 1 0 1 0। मीन्स व्हाट, 1 0 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 1 0 मीन्स 10, सो डेटा इज 10। तो कंसिडर करके चलते हैं डेटा जो है वो क्या है आपका 10 है। ये पैकेट, दिस पैकेट इज ट्रैवल्स अक्रॉस अ नेटवर्क, थ्रू द नेटवर्क जा रहा है, PC2 ने जो है उस पैकेट को रिसीव किया। अब PC2 को कैसे पता चलेगा कि ये जो पैकेट है वो एरर फ्री है या नहीं, कंसिडर करके चलते हैं PC2 के पास पैकेट तो पहुंच गया है, तो पैकेट जो आया है वो PC2 के पास कुछ ऐसे आया है, जैसे 1 0 1 1, अगर आप इसके एडिशन करोगे तो क्या होगा, 1 0 1 1 मीन्स 8 + 2 + 1 कितना हुआ, 11। तो PC2 को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो डेटा आया है वो एरर फ्री है या नहीं। PC1 को भी एक्नॉलेज, देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट तो रिसीव नहीं होती, या रिसीव कर भी देता हूँ तो माइट बी पॉसिबल है कि मैं आगे जाके इसको पता चल जाएगा कि ओके जो डेटा आया है मेरे पास वो एरर फ्री नहीं है, दैट इज इन एरर। बट कंसिडर करके चलते हैं, इफ़ आई कुड नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द PC2, सो हाउ PC2 इज कंसिडर एज दिस डेटा इज एरर फ्री, क्योंकि PC1 ने जो पैकेट भेजा था वो तो टेंस है, और किसी ने जाके ये पैकेट जो वाइल दिस पैकेट ट्रैवलिंग फ्रॉम द इंटरनेट, एनीवन कैन स्निप दिस पैकेट, चेक दिस डेटा, और इसने क्या कर दिया, उस पैकेट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या फिर एडिशनल बिट्स को ऐड कर दिया, एरर्स को ऐड कर दिया, और फिर सेंड इट बैक टू द PC2। और जैसे ही PC2 को रिसीव हुआ, इसने तो 11 रिसीव किया है, इसने भेजा था 10, इसका मतलब देयर इज अ एरर, एंड दिस काइंड ऑफ एरर इज नोन एज सिंगल बिट एरर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बिट में ही चेंज हुआ था, हियर ऑन द लास्ट बिट। कंसिडर करके चलते, सेम अमाउंट ऑफ पैकेट है, जैसे 1 0 1 0 इट मीन्स 10 पैकेट भेजा मैंने ओवर द नेटवर्क, और PC2 के पास जो पैकेट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, लेट्स से 1 1 1 1 मीन्स 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक से ज़्यादा बीट्स में चेंजेस हुए हैं, यहाँ इस बिट में चेंज हुआ है और इस बिट में चेंज हुआ है। दिस काइंड ऑफ एरर इज़ नोन एज मल्टी बिट एरर। तो फिर PC2 को कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास पैकेट आया है वो एरर फ्री है नहीं,
टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ एरर डिटेक्शन टेक्निक इज नोन एज चेकसम, इज नोन एज चेकसम. ओके, सो हाउ PC2 विल फाइंड देयर इज एरर ऑन दिस डेटा. सो चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन मेथड और यू कैन यूज, देयर इज सेकेंडरी ऑप्शन, आप इसको सेकेंडरी ऑप्शन के साथ भी रिलेट करके देख सकते हो. द सेकेंडरी ऑप्शन इज कॉल्ड CRC, स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. दिस इज द सेम प्रोसीजर, सेम मेथड फॉर एरर डिटेक्शन इन रियल लाइफ एग्जाम्पल. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मीन्स वॉट? जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आप कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज कोई फॉरवर्ड कर रहे हो, सो आपने कोई एक टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड किया है, बट जो रिसीवर है उसके पास कोई अलग ही मैसेज आ रहा है, या फिर डेटा जो है वो बीच में कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. समवन इज ट्राइंग टू ऐड सम देयर ओन टेक्स्ट ऑन दिस ओरिजिनल पैकेट. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन? यू कैन यूज द CRC मेथड. ओके, सो CRC कैन डिटेक्ट ऑल ऑड एरर्स, सिंगल बीट एरर, मल्टी बीट एरर्स. तो CRC भी सेम चेकसम की तरह ही काम करेगा. अब देखते हैं चेकसम का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है. ओके, अब ये एक बात तो क्लियर होगी, सिंगल बिट एरर मल्टी बिट एरर क्या है. अब चेकसम का एग्जांपल बताता हूँ. जैसे PC A है ये आपका. ओके, PC A ने एक पैकेट जनरेट किया है. पैकेट जो है वो कुछ इस तरीके से है, A B C D and E. दिस इज़ द होल पैकेट. अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि A की जो पैकेट की साइज जो है वो है, जैसे यहाँ पे 9 bit है, B की जो है वो 2 bit का है, C जो है वो 4 bit का है, D जो है वो 5 bit का है, और E जो है जैसे ये 1 bit का है. ठीक है, अब एरर सॉरी अब चेकसम किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं. चेकसम में क्या होगा, देखो, देयर इज अ चेकसम फील्ड ऑन योर IPv4 पैकेट हेडर, देयर इज अ चेकसम फील्ड. ठीक है, पैकेट हेडर्स क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे एक चेकसम की हेड. चेकसम का मतलब क्या है? एडिशन करना. चेकसम का मतलब क्या है? एडिशन करना. तो किस तरीके से होगा, देखो, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 9 bits को लेता हूँ. सो 9 + 2, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 9 + 2 इज इक्वल टू वॉट? 9 + 2 इज इक्वल टू 11. 11 + 4 is equal to 15, 15 plus 5 is equal to 20, and 20 plus 1 is equal to 21. Okay? So, ye jo 21 aaya, this is the sum. I am going to add this sum into my checksum field. This is my CS field. This is my CL field from PCA. और ये फील्ड जो है वो हमेशा मैं माइनस में रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे -21. ओके, अब क्या हुआ, अब PCB के पास ये पैकेट आया, द सेम पैकेट. PCB क्या करेगा, इस पैकेट को चेक करके देखेगा, क्योंकि एरर चेकसम, हम यहाँ पे एरर चेकसम को यूज़ कर रहे हैं. सो आई हैव ए, आई हैव बी, आई हैव सी, आई हैव डी, जस्ट अ मिनट, A, B, C, D, E, ओके. तो वो क्या करेगा, हर एक बीट को रिसीव करेगा, 9, 2, 4, 5, 1, इन सभी बीट्स के वो खुद से एडिशन करेगा. मतलब 9 + 2 इज 11, 11 + 4 इज 15, 15 + 5 इज 20, 20 + 1 इज 21. अब क्या है, अब CS फील्ड जो है वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है फ्रॉम PCA, वो है -20, 21, और उसने जो एडिशन की, उसका खुद का जो CS फील्ड है उसमें जो सम इनिशिएट हुआ है वो क्या है, 21. सो 21 - 21 इज इक्वल टू 0. इट मीन दिस पैकेट इज एरर फ्री. 0 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पैकेट है, इट्स अ एरर फ्री. अब कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पर अगर बीच में कहीं पैकेट अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो क्या होता, कंसिडर करके चलते, लास्ट बिट में चेंजेस हो गए. लास्ट बिट में पैकेट जब ट्रैवल हुआ थ्रू द इंटरनेट, लास्ट बिट में कॉम्प्रोमाइज हो गया पैकेट. तो यहाँ पे लास्ट बिट में किसी ने ऐड कर दी खुद की बिट जो है 2. अब यहाँ पे आंसर आया था 20, तो 20 + 2 = 22 आएगा. तो वो क्या करेगा, खुद के
सीएस फील्ड में से आपके रिसीवल की सीएस फील्ड को माइनस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस 21 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स देयर इज 1 बिट एरर, मतलब एक्चुअली मेरे पास 21 बिट का पैकेट आना चाहिए था, आ गया है 22 का। इट मीन्स देयर इज अ एरर एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द चेकसम। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द चेकसम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड टाइम टू लिव। व्हाट इज मीन बाय टाइम टू लिव, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। कंसिडर करके चलते हैं, देयर इज अ राउटर, राउटर इज कनेक्टेड विथ R2, राउटर 1 इज कनेक्टेड विथ R3 एंड राउटर 1 इज कनेक्टेड विथ R4। ऑल राइट, हर एक राउटर के बीच है अपना अपना नेटवर्क है। लेट्स से नेटवर्क A, नेटवर्क B एंड द नेटवर्क C। दिस इज योर PC1। ओके, अब और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एवरी राउटर हैव देयर एबिलिटी टू मेंटेन देयर ओन राउटिंग टेबल। दिस राउटिंग टेबल कैन मेंटेन देयर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क फ्रॉम द नेबर्स। मतलब हर एक राउटर क्या करता है, अपना खुद का राउटिंग टेबल जनरेट करता है। मतलब राउटर 1 का भी खुद का राउटिंग टेबल होगा, उस राउटिंग टेबल में वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। किस तरीके से, वो देखेगा नेटवर्क ए की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, फ्रॉम R2। नेटवर्क बी की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, फ्रॉम R3। और नेटवर्क सी की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, मैं R4 से रिसीव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, PC1 को अगर नेटवर्क ए के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो पैकेट किसको भेजेगा, PC1 राउटर 1 को। राउटर 1 क्या सबसे पहले चेक करेगा, अपना राउटिंग टेबल। वो चेक करेगा नेटवर्क ए के पास जाना है तो पैकेट किसको भेजो, राउटर 2 को। नेटवर्क बी के पास जाना है पैकेट इसको भेजो, राउटर 3 को। नेटवर्क सी के पास जाना है पैकेट इसको भेजो, राउटर 4 को। तो हर एक राउटर सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करना, अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और डेस्टिनेशन को चेक करना अपने राउटिंग टेबल में। क्लियर हुआ एक प्रोसीजर? अब क्या हुआ, कंसिडर करो, अब राउटर 1 के राउटिंग टेबल में तो हर एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। राउटर 1 के राउटिंग टेबल में नेटवर्क ए की भी इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क बी की भी इन्फॉर्मेशन है और नेटवर्क सी की भी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर? अब देखो क्या है, PC1 ने एक पैकेट जनरेट किया, ही इज ट्राइंग टू सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स नेटवर्क डी। अब ये पैकेट रिसीव हुआ राउटर 1 पे फ्रॉम द PC1। राउटर 1 क्या करेगा, सबसे पहले अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन डी की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो यहाँ पे अब देखेगा ए बी सी तो है, बट डी के पास कैसे जाना है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वेयर इज डी, ड्रॉप इट। इस पैकेट को वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। और कंसिडर करके चलते हैं, ऐसे ही जितने अननोन नेटवर्क्स हैं, चाहे वो डी हो चाहे वो ऑल अननोन नेटवर्क्स हो, किसी भी नेटवर्क के पास जाना है सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स R5, बिकॉज राउटर 5 इट्स योर डिफॉल्ट राउटर। राउटर 5 जो है वो क्या है, आपका एक डिफॉल्ट राउटर है। मतलब जो अननोन नेटवर्क्स है, जो मेरे राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, उन नेटवर्क्स के पास जाना है, तो इन पैकेट्स को मैं हमेशा किसको भेजूंगा, राउटर 5 को, बिकॉज राउटर 5 इट्स माय डिफॉल्ट राउटर। वो एक क्या है, मेरा डिफॉल्ट राउटर है। मतलब PC1 को अगर डी के पास जाना है तो राउटिंग टेबल में वो चेक करेगा, डी की तो पता नहीं कहाँ पे, बट देयर इज अ डिफॉल्ट राउट। इट मीन्स आपको कहीं भी जाना है, दिस इज माय डिफॉल्ट गेटवे, सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स R5। तो वो पैकेट इसको भेजेगा, राउटर 5 को भेज देगा। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चाहे वो PC D हो, चाहे वो E का पैकेट हो, चाहे वो M पैकेट के लिए हो, M नेटवर्क के लिए हो, सेंड इट टूवर्ड्स व्हाट, सेंड इट टूवर्ड्स राउटर 5। क्लियर? अब देखो क्या है, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। लेट्स से अगेन PC1 इज कनेक्टेड विद द R1, R1 इज कनेक्टेड विद द R2, R2 अगेन कनेक्टेड विद R3 एंड R3 कनेक्टेड विद द R1 बैक। तो राउटर 1 के पीछे नेटवर्क A है, राउटर 2-3 के पीछे नेटवर्क B है। मैंने क्या किया, 1 से एक डिफॉल्ट राउट असाइन किया 2 के लिए,
मैंने 2 से एक डिफॉल्ट राउट असाइन किया 3 के लिए। अब ये क्यों कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई पैकेट आता है जो मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, क्योंकि 1 के राउटिंग टेबल में ए और बी के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होगी, बट अगर अननोन नेटवर्क के लिए आता है तो क्या करूँगा। तो हमने क्या किया, 1 से एक डिफॉल्ट राउट दिया 2 के लिए, 2 से एक डिफॉल्ट राउट दिया 3 के लिए, और 3 से एक डिफॉल्ट राउट दिया वापस 1 के लिए। अब क्या होगा, अब वो पीसी 1 से अगर कोई पैकेट आता है पीसी नेटवर्क ए के लिए, तो मैं राउटर 1 को पैकेट भेजूंगा। पीसी बी के लिए अगर कोई पैकेट आता है तो मैं राउटर 3 को पैकेट भेज दूंगा। बट अगर पीसी डी के लिए सॉरी नेटवर्क डी के लिए अगर कोई पैकेट आता है, नेटवर्क डी के लिए अगर कोई पैकेट आता है, सो देर इज़ नो एनी स्पेसिफिक एंट्री फॉर द नेटवर्क डी, बट आई हैव अ डिफॉल्ट राउट। मेरे पास क्या है, एक डिफॉल्ट राउट है जो पॉइंट कर रहा हूँ मैं राउटर 2 की तरफ, तो राउटर 2 के पास ये पैकेट भेजूंगा। राउटर 2 देखेगा ओके डी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास एक डिफॉल्ट राउट है, सेंड इट बैक टू द R3। R3 भी चेक करेगा डी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक डिफॉल्ट राउट है, सेंड इट बैक टू द R1। तो ये यहाँ पे लूप जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है, फिर वो 1 हो, फिर वो 2 हो, फिर वो राउटर 3 हो, हर कोई पैकेट जो है वो आपस में एक्सचेंज कर रहा है, आपस में फॉरवर्ड कर रहा है। सो कंसिडर करके चलते हैं, पीसी 1 ने ऐसे 1000 पैकेट जनरेट किए हैं पीसी डी के लिए, पीसी ई के लिए, एफ के लिए, तो 1000 पैकेट जो है वो यहाँ पे घूमते रहेंगे, देयर इज कॉल्ड लूप्स, यहाँ पे कोलिजन क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अगर जस्ट इन केस पीसी 1 को एक्चुअल में पीसी ए को, ए या पीसी बी को अगर कोई पैकेट भेजना है, नेटवर्क ए या नेटवर्क बी को अगर कोई पैकेट भेजना होगा एक्चुअल में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1000 पैकेट जो है वो इस लिंक पे फॉरवर्ड कर दी है, ऑलरेडी यहाँ पे 1000 पैकेट जो है वो लूप्स जनरेट कर रहा है। और ओरिजिनली अगर मुझे ए और बी को कोई पैकेट भेजना भी होगा तो चांसेस है ड्रॉप हो सकते हैं या फिर डिले हो सकता है। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ओवरकम किया जाए वो भी देख लेते हैं। कैसे, देखो अगेन पीसी 1 कनेक्टेड विथ R1, R1 इज कनेक्टेड विथ R2, R2 इज कनेक्टेड विथ R3, एंड R3 इज कनेक्टेड विथ R4। और कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे मेरा PC2 है, ओके अब क्या होगा, PC1 को PC2 को कोई पैकेट भेजना है, तो राउटर 1 सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि PC2 के पास जाना है तो वो मेरे से कितना हॉप्स अवे दूर है, मतलब PC2 तक जाने के लिए मुझे कितने राउटर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कितने राउटर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। सो इट्स अ 3 हॉप्स, इट्स अ 3 हॉप्स। PC2 को भी अगर PC1 को कोई पैकेट भेजना है तो राउटर 4 चेक करेगा, PC1 तक जाना है तो वो भी कितने हॉप्स अभी दूर है, इट्स अगेन 3 हॉप्स। ओके तो यहाँ पे हॉप काउंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कितने राउटर्स के थ्रू जाना है, दैट मीन्स हॉप काउंट। सो इट्स अ 3 हॉप्स अवे फ्रॉम R1, 3 हॉप्स अवे फ्रॉम R4। ओके सो PC1 ने एक पैकेट जनरेट किया PC2 के लिए, तो सबसे वो पहले वो पैकेट में किसको भेजूंगा, राउटर 1 को। अब राउटर 1 क्या चेक करेगा, आई एम गोइंग टू चेक द डेस्टिनेशन हॉप काउंट इज 3 एंड दिस इज कॉल्ड द TTL वैल्यू। आई एम गोइंग टू ऐड दिस 3 हॉप काउंट एंड कंसिडर एज अ TTL वैल्यू। सो मुझे यहाँ पे गारंटी है कि डेस्टिनेशन जो है वो 3 हॉप काउंट तक ही है, मतलब PC2 दिस इज 1 हॉप, दिस इज 2 हॉप, दिस इज 3 हॉप, 3 हॉप के आने के बाद डेस्टिनेशन जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 हॉप की जगह 2 हॉप्स देखता हूँ तो 2 हॉप के बाद मतलब PC3 पे कोई भी PC2 कनेक्टेड है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे PC3 पे ये पैकेट जो है वो डिसगार्ड किया जाएगा। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर आपका जो डेस्टिनेशन है वो प्रॉपर हॉप काउंट पे होना चाहिए। सो इट्स अ 3 हॉप्स। तो अब क्या होगा, देखो PC1 ने पैकेट जनरेट किया विद द वैल्यू ऑफ TTL वैल्यू ऑफ 3, सेंड इट बैक टू द PC2। अब जैसे ही PC2 के पास ये पैकेट आएगा, PC2 क्या, राउटर 2 क्या करेगा, 1 हॉप काउंट डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब 3-1 करेगा इज इक्वल टू 2। एट दिस वैल्यू TTL वैल्यू इन इट्स ओन पैकेट एंड सेंड इट टू द नेक्स्ट PC3 के, राउटर 3 के पास जाएगा। राउटर 3 भी क्या करेगा, 2-1 करेगा इज इक्वल टू 1, एट इज ओन TTL वैल्यू 1 एंड सेंड इट टू द R4, और R4 पे आने के बाद ये अपने TTL में से रिसीव्ड TTL को माइनस कर देगा इज इक्वल टू 0, एंड 0 दैट मीन्स
डिस्गार्डेड, जीरो डेट मीन्स इस पैकेट को डिस्गार्ड कर दो, क्योंकि एक्चुअली डेस्टिनेशन जो है वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इस पैकेट को यहाँ पे आके डिटेल वैल्यू को हटा दूंगा, सेंड इट बैक टू द PC2 और पैकेट यहीं क्या यहीं पे क्या हो जाएगा, डिस्गार्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो हर एक राउटर क्या करता है, TTL के वैल्यू को, वन वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है अपने ओरिजिनल TTL वैल्यू से। ओके, अब इसी एग्जाम्पल को प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखते हैं कैसे होगा। देखो, अब क्योंकि लूप्स बंद रहे थे पहले वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि PC1 जो है वो किसी एक डी नेटवर्क के लिए पैकेट जनरेट कर रहा था, जैसे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद R1, और यहाँ से हमने हर किसी के लिए एक डिफॉल्ट राउटर सेट किया। तो TTL राउटर 1 क्या करेगा, एक TTL वैल्यू जनरेट करेगा इस पैकेट के लिए, इस डी पैकेट के लिए, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है उसका डी है। PC1 को डी के नेटवर्क के लिए कोई पैकेट भेजना है, इसके पास ए है, इसके पास बी है, बट डी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए मैं TTL वैल्यू ऐड करूंगा, जैसे TTL वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, जैसे 4। तो विद द TTL वैल्यू ऑफ 4 मैं पैकेट किसको फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट राउट सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स R4। R4 क्या करेगा, रिसीव्ड TTL को 4-1 कर देगा, इज इक्वल टू 3, मतलब उसका TTL वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। दिस इज योर फर्स्ट TTL, जैसे यहाँ पे रखता हूँ मैं T1, दिस इज T2, सेंड इट बैक टू द R3। R3 क्या करेगा, 3-1 करेगा, इज इक्वल टू 2, मतलब ओरिजिनल TTL वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इज 2। अब देखेगा डेस्टिनेशन तो पता नहीं है, सेंड इट बैक टू द R1, दिस इज T1 पैकेट। अब वापस R1 के पास आया, R1 देखेगा, ओके आई रिसीव द सेम पैकेट बट द TTL वैल्यू इस टाइम क्या है, 2 है, तो 2-1 करूंगा मैं, इज इक्वल टू 1, एंड जनरेटिंग अ न्यू TTL पैकेट विच इज TTL वैल्यू ऑफ 1, इस TTL टी वैल्यू नंबर पैकेट नंबर लेते जैसे 2, सेंड इट बैक टू द R2। राउटर 2 रिसीव करेगा, राउटर 2 देखेगा TTL वैल्यू 1 है, 1-1 इज इक्वल टू 0, और इसी राउटर पे ये पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दैट होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइम टू। लास्ट जो है वो है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस। अब ये देखो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस जो है वो क्या है, कंसिडर करके चलते हैं। आपके पास लार्ज नेटवर्क है जिसमें 100 ऑफ स्विचेस है, 100 ऑफ राउटर्स है, 100 ऑफ सर्वर्स है। सो एक पर्सन को इन सभी डिवाइसेस को मॉनिटर करना पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 काइंड ऑफ डिवाइसेस है मेरे नेटवर्क में। तो इन सभी नेटवर्क्स को विद अ सिंगल काइंड ऑफ पर्सन मैनेज करना या फिर मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। सो क्या हुआ, देखो, बैक इन 1980s दे इम्प्लीमेंट टू मॉनिटर ऑल द IP बेस्ड नेटवर्क डिवाइसेस। सो दे क्रिएटेड अ डेटाबेस विच इज यूज टू मैनेजिंग द एंटिटीज इन अ नेटवर्क। सो दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज SNMP, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड दैट द डेटा इज नोन एज MIB। जो डेटाबेस हमने जनरेट किया था, दैट द डेटा इज कॉल्ड MIB, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस। तो ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं। सो MIB कैन मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन लाइक राउटर इंटरफेस स्टेटस, अप और डाउन हो रहे या नहीं हो रहे, और द CPU ओवरहेड, मतलब हर कोई राउटर या फिर मैं कहूँगा SNMP जो है, SNMP कैन मैनेज देयर ओन डेटाबेस। जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क लेते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स हैं, स्विचेस है, और आपके सर्वर्स हैं, दिस इज कनेक्टेड विथ योर कोर राउटर, एंड हियर यूज योर एडमिनिस्ट्रेटर। सो एडमिन क्या करेगा, इन सभी नेटवर्क्स को मॉनिटर करना, इन सभी नेटवर्क के डिवाइस को मॉनिटर करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एडमिनिस्ट्रेटर गोइंग टू यूज SNMP, सिंपली नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो दिस SNMP कैन जनरेट अ डेटाबेस, दिस डेटाबेस कैन हैव देयर ऑल नेटवर्क डिवाइसेस एंटिटीज इन्फॉर्मेशन। एंटिटी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे राउटर्स है, बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है, सो इन सभी राउटर्स के इंटरफेसेज जो है वो अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, जैसे प्रोसेसिंग पावर यूटिलाइज हो रही है, CPU ओवरहेड यूज हो रहा है, तो इनके हर एक स्टेट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। दिस डेटाबेस इज नोन एज MIB, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, गैदर्ड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज OID, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ओके, सो ये SNMP
किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, बाय प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा, ये जो है वो कैसे बताऊंगा, बाय प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्लियर। सो SNMP रन ऑन द एप्लीकेशन लेयर एंड द कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग, देयर इज SNMP सर्वर which is already installed in on your PC, on your server, and this is the next one which is your SNMP agent, मतलब जिसको monitor करना है is called SNMP agent. फिर वो आपके 100 of router हो सकते हैं, 100 of switches हो सकते हैं, या फिर 100s of servers हो सकता है, clear हुआ। This is called the management information base. So all right guys, सो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नेटवर्क कंपोनेंट, जिसमें मैं कवर करूंगा आपके लेयर्ड कम्युनिकेशन, हब, हब कोलिजन इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रिजेस, लेयर टू स्विचेस, लेयर थ्री स्विचेस, फिब, कैम, ये सारे प्रोसीजर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्लियर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।